आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज हम इस सीआरटी टीवी को रिपेयर करेंगे, चाइना मेड सीआरटी टीवी है। आज हम इसको रिपेयर कराएंगे, इसके अंदर क्या फॉल्ट आ रहा, तो हम इसको चलाते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो अब हम इसको चलाते हैं और देखते हैं। तो ये मैंने स्विच को मेन बोर्ड में लगा रहा हूँ और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो मैंने इसको अभी चालू कर दिया, ये देख सकते हैं आप इसका पावर की जो एलईडी है वो भी लुक कर रही है और ये हमारा रिमोट भी ये हमारा टीवी भी चालू हो गया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास रिमोट पड़ा हुआ है चाइना का, लेकिन ये इसके साथ वर्क नहीं कर रहा। ये देख लें, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। तो अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया जी, तो मैं इसको रिमोट को आपको चेक करवा देता हूँ। मैं रोशनी की वजह से मेरा रिमोट सही नहीं बता पा रहा, लेकिन मेरा रिमोट वर्क में और ये टीवी के अंदर काम नहीं कर रहा। तो अभी हम इस टीवी को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक हो गया, तो चलो अब हम देख सकते हैं कि मैंने इसको अभी खोल दिया है। ठीक हो गया जी, तो अभी जितनी भी इसकी फालतू जो वायरें हैं वो हम निकाल देते हैं, जो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, वो जितनी भी वायरें हम निकाल देते हैं। ये आप देख लें, ये साउंड से आ रही है। ठीक हो गया जी, ये साउंड से आ रही है, ये निकाल देते हैं और जो इसके साथ लगी है वो भी साउंड की होती है। ठीक है, वो भी मैं निकाल देता हूँ, दो है साउंड की, वो दोनों निकाल दिए हैं क्योंकि दो स्पीकर लगे होते हैं हमारी। और ये हमारे सामने वाला पैनल है और एक ये जो हमारा जो की पैड है उसकी है। तो ये सारी मैंने वायर्स निकाल दी हैं। इसके अलावा ये जो हमारी आप डिकाजिंग वाली जो वायर है वो भी निकाल देते हैं, डिकाजिंग के जैक है वो भी निकाल दिया मैंने। अब ये हमारी पावर सप्लाई की जो वायर है वो भी मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें ऐसे अलहदा से वोल्टेज देना है, क्योंकि इसके जो ये वायर है ये बटन के साथ लगी हुई है, ये किट मेरे साथ फ्री नहीं आएगी, इसलिए मैंने इस पावर वाली वायर को भी निकाल दिया है। मैं इसको अलग से लगाऊंगा वायर। ठीक हो गया जी, तो पहले तो हमें ये चेक करना था कि इसका जो रिमोट है वो क्यों नहीं वर्क कर रहा था। तो पहले मैं आपको इसकी वायर दिखा दूं। ये आप देख सकते हैं कि इसके रिमोट की जो वायर है वो देख लें कौन सी लगाई हुई है। ये इन्होंने रिमोट की वायर लगाई है जुगाड़ मार के हुए, जुगाड़ मार के ये एक रिमोट की वायर लगाई है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसका जो टांका है वो भी एक निकला हुआ है। यह जो इसकी सोल्डरिंग है ये भी डिस सोल्ड हो ही पड़ी है। तो पहले मैं इसको भी सोल्डरिंग मार देता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है, मैं इसको सोल्डरिंग मारता हूँ, वो भी आप देख लें। तो मैं इसके सोल्डरिंग मारता हूँ इसको और फिर देखते हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी सोल्डरिंग मार दी है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा रिमोट इसके साथ वर्क करता है कि नहीं करता। ठीक हो गया जी, तो मैं अलग से एक पैनल लेता हूँ और उसमें देखते हैं कि वो काम करता है कि इसके साथ काम करता है कि नहीं करता। मैं अलग से पैनल इसका पैनल लेता हूँ। तो जी तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये मैं लेके आया हूँ एक पैनल, आई पैनल। ठीक है जी, तो अब ये हम लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये किसी डिस सोल्डरिंग का फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट है। तो अभी हम इसको लगाते हैं और देखते हैं। ठीक हो गया जी, तो मैंने इसको लगा लिया है, सही हो गया। तो अब हम इसको चालू करके देखते हैं कि इसके अंदर ये फॉल्ट क्लियर होता है कि नहीं होता। जो हमारा रिमोट का फॉल्ट था वो हमारा क्लियर होता है कि नहीं होता वो हम देखते हैं। ठीक हो गया, तो अभी हमने इसको चालू कर दिया है, ये हमारी एलईडी भी ग्लो हो गई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी,
अब हम इसको रिमोट से वर्क करवाएंगे, अगर देखते हैं कि इसके रिमोट वर्क करता है। ये मेरे पास एलईडी पड़ी है, ठीक है जी। तो ये मेरा टीवी है, तो मैं अपना रिमोट से इसको वर्क करवा रहा हूँ और देखें आप ये वर्क करता है कि नहीं करता। ठीक हो गया जी, ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से काम कर रहा है अभी। तो ये रिमोट हमारा इसके साथ काम कर रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये रिमोट इसके साथ काम कर रहा है। तो अभी हम इसका जो फ्रंट वाला पैनल है अभी उसको चेक करेंगे, ठीक हो गया। अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, ठीक हो गया। तो ये तो पैनल हमारा वर्क कर रहा है, लेकिन अभी इसका जो फ्रंट वाला पैनल है उसको हम देखेंगे वो उसके अंदर क्या फॉल्ट है, ठीक है जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं इसका अभी पैनल निकालता हूँ बाहर, जो आई का पैनल होता है, आई वाला पैनल मैं इसका बाहर निकालता हूँ, ठीक हो गया जी। और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या फॉल्ट है। तो मैं इसका आई वाला पैनल निकालता हूँ अभी। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आई वाला पैनल निकाल के फिर देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या फॉल्ट है, ठीक हो गया जी। इसका जो फ्रंट वाला पैनल है वो इसका मैं अभी बाहर निकालने लगा हूँ, तो शायद आपको अच्छी तरह से नहीं दिख पा रहा होगा, ये मैंने इसकी बाहर निकाल दी है। टैग लगाया हुआ था चाइना की किट में, असल में हम टैग ही लगाते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके टैग ना लगाने से इसकी जो नीचे वाली फट्टी है वो टूट जाती है, तो इस वजह से हमें इसको टैग लगाया होता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी फ्रंट वाली जो पट्टी है मैंने इसको बाहर निकाल दी है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी ये पट्टी है पैनल की, सही है। तो ये इसकी आई है जो इसके साथ लगी है, लेकिन ये वर्क नहीं कर रही। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्यों वर्क नहीं कर रही और इसके अंदर क्या फॉल्ट है, वो भी हम देख लेते हैं। एक चीज़ का मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं कि ये इसका ग्राउंड है, ठीक हो गया जी। ये इसका ग्राउंड है और ये इसकी आई का बटन है, ठीक हो गया। और इसको ये 5 वोल्ट चाहिए होते हैं, लेकिन जिस कारीगर ने इसको लगाया है वो गलत लगाया है। उसने क्या किया कि जहाँ पर इसको 5 वोल्ट मिलने चाहिए उसने आई दिया हुआ है, और जिसको जहाँ पर इसको आई मिलनी चाहिए वहाँ पर उसने 5 वोल्ट दिए हुए थे। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको उल्टा करके लगाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या ये क्लियर होता है कि नहीं होता। तो अभी हम इसको उल्टा करके लगाएंगे और देखेंगे कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो मैंने अभी इसको उल्टा लगाना है, ठीक हो गया जी। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इनको लगा लिया है, और इसके अंदर डिसोल्डरिंग भी है, वो भी मैं इसका सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ये सारी सोल्डरिंग ओपन हुई पड़ी है, तो मैं इसकी सोल्डरिंग चढ़ा लेता हूँ, वो भी आप देख लें। असल में मैं वायर दूसरी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो टैग में लगाई हुई है। तो ये इस पे से हम इसको सोल्डरिंग मारते हैं, क्योंकि असल में ये डिसोल्डर वायर, इसको हम सोल्डिंग मार चढ़ा देते हैं। तो मैंने इनों के ऊपर सोल्डिंग चढ़ा ली है, अब हम इसको लगा के चेक करते हैं कि ये वर्क करती है कि नहीं करती। तो अब हम इसको चालू करते हैं और देखते हैं। तो मैं अभी इसको चालू करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये चालू हो गई है, सही हो गया जी। तो मैं अब इसको रिमोट से चेक करूँगा इसके साथ रिमोट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी इसका रिमोट वर्क करना शुरू कर दिया है इसने, लेकिन अब हम इसको सामने फ्रंट में लगा के फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है जी।
तो मैं इसको फ्रंट पे लगाता हूँ जल्दी जल्दी और फिर आपको सामने से वीडियो दिखाता हूँ। मैंने अभी इसका फ्रंट वाला पैनल लगा लिया है, अभी हम इसको चालू करके देखते हैं कि इसका अभी रिमोट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी हम इसको रिमोट में लगा के देखते हैं रिमोट इसके साथ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी हम ये देख लें आप, इसके साथ रिमोट अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, सही हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग इस मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन नज़र आ रहा होगा, आपने उस पर भी क्लिक करना है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।